जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम का फर्स्ट यूनिट फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो के बाद आपके 20 मार्क्स और एक यूनिट खत्म हो जाएगा। दोस्तों पहले हम समझते हैं कि इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों टोटल दो पॉइंट है आपका महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के थर्ड पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के फर्स्ट यूनिट फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन। दोस्तों नाम से ही हमें समझ में आता है शिक्षा का दार्शनिक आधार। इसमें टोटल दो चीज़ें आपको पढ़ने हैं। पहला क्या है, शिक्षा दर्शन, और दूसरा जो हमारे दार्शनिक विचार रहे हैं उसकी व्याख्या करनी है। तो पहले पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि शिक्षा दर्शन किसे कहते हैं, और आपसे सवाल भी बखूब ऐसे ही पूछा जाता है और ये सवाल आता ही आता है। अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपसे कभी पूछ दे कि शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन फिलॉसफी, आपसे ऐसे पूछ सकता है। फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द एजुकेशन फिलॉसफी विद मीनिंग डेफिनेशंस एंड द स्टेप ऑफ द एजुकेशन फिलॉसफी। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मतलब शिक्षा और शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, इसकी अर्थ, परिभाषा, प्राकृतिक क्षेत्र, इसके बारे में आपसे सवाल पूछता है। या फिर सवाल आपसे ऐसे पूछ देता है कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, इसकी व्याख्या करिए। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक के सिक्के के दो पहलू हैं, इसकी व्याख्या करिए। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है शिक्षा दर्शन। तो अब हम समझेंगे कि शिक्षा दर्शन और शिक्षा दर्शन के अर्थ के बारे में। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, जो मैंने सेकंड पॉइंट कहा क्या कि जो हमारा दार्शनिक विचार रहा है, जैसे चार विचार रहा है, कौन कौन सा, आदर्शवाद, दूसरा यथार्थवाद, तीसरा प्रयोजनवाद और चौथा प्रकृतिवाद। अगर हम अंग्रेजी की बात करें, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म। ये चार वाद, ये दो जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं, शिक्षा दर्शन और ये चार वाद, इन दोनों टॉपिक में से डेफिनेटली आपके दोनों प्रश्न मिलेंगे, लेकिन ये श्योर नहीं होता कि इन चार वादों में कौन सा वाद इस बार आपसे पूछेगा, या फिर शिक्षा दर्शन में किस तरीके से आपसे शिक्षा दर्शन का सवाल पूछेगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि आपके नॉलेज एंड करिकुलम से ये सवाल तो 101% आना है। अब आइए, आप इन दो वीडियो को मैं अपने स्क्रीन पर जहाँ पे दिखा रहा हूँ, इन दो वीडियो में आपको बखूबी बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है अपनी लैंग्वेज में कि शिक्षा दर्शन होता क्या है, शिक्षा और दर्शन में आपस में संबंध क्या है, शिक्षा इंडिविजुअल क्या है और दर्शन इंडिविजुअल क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यकीन माने एक वीडियो देखते हैं आपका कम से कम ये टॉपिक तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, रियलिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। इन चार वादों के बारे में इस वीडियो में बेहतरीन और आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है आपको। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे डेफिनेटली आपका ये चार बात क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं एक सिंपल से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो से या किसी भी वीडियो से इन दो क्वेश्चंस को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि हर बार आपसे बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। आप अपने सीनियर से भी इस मामले में पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए, इन दो वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप उस लिंक से इन दोनों वीडियोज को देख सकते हैं और वहाँ से आप समझ सकते हैं अपने आसान से शब्दों में कैसे पेपर में लिखना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। फटाफट से इन दो वीडियो को देखते हैं और फर्स्ट यूनिट आपका क्लियर करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए, और इस वीडियो से आपको बहुत सहायता मिलने वाला है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।